महा कार्टून टीवी। जादुई ताबीज। किसी शहर में सलमान नाम का एक शरारती और बेहद ही प्यारा बच्चा अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। सलमान एक चीज से बहुत डरता था। उस डर के कारण उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, और वो डरावनी चीज थी स्कूल में होने वाली हर साल की परीक्षा। सलमान अपनी कक्षा में सबसे अलग और सबसे पीछे बैठता था। परीक्षा का डर सलमान पर हावी हो चुका था। उसके इस डर के बारे में उसके माता पिता भी जानते थे, लेकिन वो अपने बच्चे की मदद कैसे करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सलमान और उसके अम्मी अब्बू दोपहर में खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे पर बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा, और जैसे ही सलमान की अम्मी ने दरवाजा खोला तो एक आवाज आई, इस भूखे को कुछ दे दे बेटी, तेरा भला होगा। सलमान की अम्मी ने देखा तो वहाँ एक बाबा खड़े थे जो शायद भूखे थे। उन्हें देखकर सलमान की अम्मी ने सोचा, मुझे लगता है मुझे इन बाबा को खाना खिलाना चाहिए, वैसे भी हम लोग भी तो खाना ही खा रहे हैं, इससे एक भूखे का पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर सलमान की अम्मी ने उन्हें अंदर बुला लिया और कहा, बाबा आओ, आप अंदर आ जाओ, आप हमारे साथ ही खाना खा लो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर बाबा अंदर आ गए और सलमान की अम्मी ने उन्हें खाना दे दिया। जब बाबा खाना खा रहे थे तो उन्होंने सलमान को देखा। उसे देखकर बाबा बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सलमान है। तू कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? इतनी कम उम्र में तुम्हें क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर सलमान थोड़ा झिझकने लगा और फिर बोला, नहीं, कोई परेशानी नहीं है बाबा। सलमान की बात सुनकर उसकी अम्मी ने कहा, बता दे बेटा, बाबा से ना कुछ मत छिपा, हो सकता है बाबा तेरी मदद ही कर दे। अपनी अम्मी की बात सुनकर सलमान ने सोचा और फिर धीमी सी आवाज में वो बोला, बाबा मुझे परीक्षा से डर लगता है। अच्छा, तो ये परेशानी की वजह है, मैं अभी तेरी परेशानी दूर कर देता हूँ। ये कहकर बाबा ने अपनी झोली से एक ताबीज निकालकर सलमान के दाएं बाजू पर बांध दिया और फिर कहने लगे, जा, अब तू पास हो जाएगा, लेकिन याद रख, ये ताबीज तभी काम करेगा जब तू रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, और अगर एक दिन भी तूने पढ़ाई छोड़ी तो इस ताबीज का जादू खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सलमान के अंदर अब एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। ताबीज के मिलने के बाद अब सलमान रोज पढ़ने लगा, और देखते ही देखते उसका पढ़ने का समय बढ़ता जा रहा था। उसके अम्मी अब्बू को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। सलमान को जादुई ताबीज पर पूरी तरह यकीन हो गया, और एक दिन उसके अब्बू ने कहा, सलमान बेटा, तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ गई है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं अब्बू, मैंने सारी तैयारी कर ली है, और वैसे भी मेरे पास ये जादुई ताबीज है जिसके चलते मैं ये परीक्षा चुटकियों में पास कर लूंगा। अब सलमान में इतना आत्मविश्वास भर गया कि वो किसी भी परीक्षा से नहीं डरता था। अब आखिरकार परीक्षा की घड़ी आ गई, और ऐसा पहली बार हुआ कि सलमान खुशी खुशी परीक्षा देने स्कूल गया। और ऐसे ही कुछ दिन बाद परीक्षाएं भी समाप्त हो गई। सलमान और उसके अम्मी अब्बू बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगे, और अब रिजल्ट का दिन भी आ गया। सलमान अपने अम्मी अब्बू के साथ स्कूल गया। उसने अपनी कक्षा में कदम रखा तो सभी विद्यार्थी उसकी तरफ देख रहे थे। सलमान थोड़ा सा डर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? कहीं मैं फिर से फेल तो नहीं हो गया? ये सोचता हुआ सलमान अब अपने टीचर के पास पहुंचा।
टीचर ने सलमान की अम्मी अब्बू को उसका रिजल्ट देते हुए कहा, आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस बच्चे को हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास करना पड़ता था, आज वो ही बच्चा पास ही नहीं बल्कि पूरी कक्षा में पहले नंबर पर आया है। ये सुनकर सलमान हैरान हो गया और उसके अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए। उसके बाद उसके टीचर ने कहा, मैं अभी तक हैरान हूँ और सलमान मैं तुम्हारे लिए बेहद खुश हूँ। ऐसे ही कक्षा में प्रथम आते रहना बेटा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। टीचर से सलमान की इतनी तारीफ सुनकर सभी विद्यार्थी सलमान के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके बाद सलमान घर पहुंच गया। वो तीनों घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे की बेल बजी। इस बार सलमान ने दरवाजे को खोला तो देखा कि वही बाबा दरवाजे पर खड़े थे जिन्होंने उसे वो ताबीज पहनाया था। बाबा को देखते ही सलमान खुशी से चिल्लाया और बाबा को अपने प्रथम आने की बात बताने लगा। बाबा, ये आपके ताबीज का ही कमाल है कि मैं पास हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सलमान, तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो, मैंने कुछ नहीं किया और ये ताबीज का जादू नहीं है। नहीं बाबा, ये आपके ताबीज का ही जादू है जिसकी मदद से मैं पास हो गया हूँ। रुको, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। तभी उस बाबा ने सलमान के सामने अपनी दाढ़ी निकाल दी। उसने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके मामा ही थे। ये देखकर वो दंग रह गया। उसने अपने मामा से पूछा, ये सब क्या है मामा, आप बाबा के वेश में क्यों हैं? सलमान के पूछने पर उसके मामा ने उसे सारी बात बतानी शुरू की। मुझे तुम्हारी अम्मी और अब्बू का फोन आया था कि तुम्हें परीक्षाओं से डर लगता है, तो तुम्हारे इस डर को दूर करने और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा और अपना रूप और अपनी आवाज बदलकर तुम्हारे पास आया। लेकिन अगर ये ताबीज जादू का नहीं है तो मैं पास कैसे हुआ और मैं कक्षा में अव्वल कैसे आया? अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद ये ताबीज खोल कर देख लो। मामा की बात सुनकर सलमान ने पर्ची खोली तो उस पर कुछ लिखा था, सलमान, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाई। वो पर्ची देखकर सलमान सारी बात समझ गया और अपने मामा से कहने लगा, मैं समझ गया मामा, आपने ऐसा क्यों किया। अगर हम दिल से मेहनत करें तो कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें और निडर होकर कोई भी काम करें तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।